सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और ये आज व्लॉग चालू हुआ है 12 बजे आई थिंक, क्योंकि फ़ोन में ना चार्जिंग नहीं था तो, और लाइट भी इधर कुछ हो गया है तो लाइट भी नहीं थी तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं था तो मैं व्लॉग नहीं ले पाई। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग, और अभी हम लोग पूरा सामान लेके निकल लिए हैं। अभी ये चेकआउट हो गया है, अभी हमको पूरा दिन पूरी रात घूमना है क्योंकि सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन ने आए थे प्लेन में और अभी जाएंगे हम लोग ट्रेन में। तो यहाँ पे सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी बट फोन में क्या कर चार्ज ही नहीं था तो मैंने कुछ लिया नहीं। तो अभी शूट कर रही हूँ, अभी तो धूप भी नहीं है बट थोड़ा अच्छा मौसम चल रहा है यहाँ पे। तब भी हम लोग चलेंगे सीधा कहीं बीच पे, वहाँ पर जाके कुछ बैठेंगे फिर करेंगे शॉपिंग वगैरह। तो पूरा दिन ऐसे कैसे करके निकल जाएगा। आज लास्ट डे कैसा है आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, तो व्लॉग में आप लोग बने रहना। तो गाइस आज हम फिर से आए हैं अंजुना बीच पर, और आज सुबह 2-3 दिन बारिश हुई है तो आज पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आया था तभी तो अंदर तक ही पानी था और आज सीधा यहाँ किनारे पे आ गया है पानी। तो नीचे भी जाना होगा या नहीं होगा क्या पता, बहुत ज़्यादा पानी आज बढ़ गया है। ये देखो मस्त लग रहा है, और इस साइड भी आपको मैं थोड़ा सा दिखाई देती हूँ। ये देखो अंजुना बीच बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। फिर से हम लोग इधर ही आए क्योंकि हम लोग ना नॉर्थ गोवा में तो और कुछ हमको मिला नहीं तो बस यही देखने के लिए आ गए, बट यहाँ पे आके अलग सुकून मिल रहा है, मस्त दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं खींचूँगी फ़ोटो क्योंकि बंटी ने और मेरे भाई ने सिर्फ दो लोगों ने इधर फोटो शूट किया है, बहुत अच्छा है तो आज मैं भी इधर फोटो ही खींचूँगी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं किसी छत पे, जो यहाँ से रास्ता निकल के हम लोग आ गए यहाँ पे छत पे, और हमको जाना था इधर बट उधर जाने का रास्ता नहीं मिला। यहाँ से जा सकते थे बट हम लोग ऐसे नीचे नहीं गए, हम लोग इधर सीधा इधर छत पे आ गए। तो जाने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझे जाने नहीं दे रहे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, और कहाँ तक पानी था ये जो थोड़ा सा अंदर है ना उस तरफ लाइन थी एक जो थोड़ा सा ऊपर करके थी वो पूरा डूब चुका है और पूरा इधर सामने आ गया है। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा है और ऊपर थोड़ा सा पानी ज़्यादा उठ रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे खुद डर लगता है पानी से क्योंकि एक बार अंदर चला गया। बापा रे बापा कभी ऐसा ना हो। तो मैं निकल ली हूँ उस तरफ जो वो मतलब जो पत्थर वगैरह दिख रहे थे ना उस तरफ जा रही हूँ बट कोई आ ही नहीं रहा तो मैं इस रास्ते से नीचे आ गई हूँ। यहाँ से वहाँ पे थी मैं, यहाँ से घूम के इधर से इधर जा रही हूँ, और ये देखो यहाँ से कैसा रास्ता है जाने का। बट साथ वाले लोग आ ही नहीं रहे कोई, तो क्या करे क्या नहीं, और अकेली जाऊँगी तो फिर बोलेंगे कि अकेले के जले गए ऐसे नहीं, सेजू और किल्लू आ रहे तो मैं निकल लेती हूँ अभी। ओ सेजू आइया थी, आइया थी जवाई पाछो ऊपर से। ये गाइस मुझे फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं ऊपर से, ऊपर से जाना पड़ेगा वापिस पर। गाइस हम लोग आए हैं गोवा के फोर्ट में, और यहाँ पे आके हमको पूरा पैकेज पता चला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट देखने के लिए, यहाँ से हम जाएंगे सीधा स्नोफॉल में क्योंकि अभी हमको पता चला है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी है। फिर हम आज तो पूरी नाइट भी हम लोगों को होटल पे नहीं जाना है, बस इधर उधर घूमना है तो हम स्नोफॉल वगैरह सब घूम लेंगे। जिस दिन लास्ट दिन है उस दिन हमको सब पता चला कि हमारा तो फोकट हो गया है। ये बात को हमको इतना ज़्यादा पता नहीं था तो हम लोग ऐसे ही आ गए थे, पूरे दिन इतने दिन रहे पूरे बीच बीच में घूमते रहे, हमको ये सब कुछ पता ही नहीं था। तो अभी अगली बार आएंगे तब सब मैनेज करके आएंगे और अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो आगे जाके आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का फोर्ट। जिसको जिसको लगाना है वही जाएगा।
मैं तो फिर तो वापस आना पड़ेगा, इसको लगाएंगे वही जाएगा नहीं तो वापस आना पड़ेगा। अच्छा ये भी है, ये बैंड लगेगा तो यहाँ पे हमको ये बैंड क्या क्या ब्रेसलेट ब्रेसलेट लगा दिया है, जो ये लगाएगा उसी को एंट्री मिलेगी यहाँ पे। ये देखो हमारा ब्रेसलेट लग चुका है। यहाँ से हम लोग एंटर तो हो गए हैं बट हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जाए, इधर जाना है या फिर इधर, इधर किधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग किधर जाए, क्या करें, समुंदर में जाइए ना बाबा ना, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओह ये पत्थर कुछ अलग ही है, पानी से कट हो चुके हैं सब, ऐसे 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 जैसे वैसे तैसे सब कट हो चुके हैं। दीदी फूल है यहाँ ना, दीदी टुकड़ा हुई फूल है यहाँ। हाँ वो देखो, हाँ सामने तो ऐसे 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 चला ऐसे ऐसे कर रहे पता। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या मिलता है देखते हैं। सेजू लेके जाएगी यहाँ पर हमको, क्योंकि सेजू पहले भी आ गई है। हाँ तो गाइज यहाँ आए हैं हमारी गाइड और अभी ये फोटोग्राफर भी बन चुकी थी। अब ये हमको लेके जाएंगे किधर किधर हमको जाना है। तो सेजू बोलना हम लोगों को किधर जाना है अभी, जेल घर में जाना है। जेल जेल में तो नहीं डालेगी ना? नहीं भी। और वहाँ पे सामने हमको हमारा विमान दिखाई दे रहा है बट आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मुझे दिखाई देगा क्योंकि बहुत दूर है और यहाँ नज़दीक ही होगा एयरपोर्ट, तभी ये इतना पास दिखाई दे रहा है बट मोबाइल में कैप्चर नहीं होगा। तभी हम लोग जा रहे हैं आगे आगे समुंदर समुंदर किनारे और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ देखो इंडिया वालों को कैसे मार रहे थे उल्टा लटका के, ये जो अंग्रेज लोग थे ये ऐसे मारते थे, ये देखो साल लटके चड्डी वाले ऐसे मारते थे। तभी इंडिया वाले अभी सब पर राज चलाएंगे। हम लोग आए हैं इधर म्यूजियम में, यहाँ पे श्री माँ क्या, और यहाँ पे क्या हो रहा है जो जो है सबकी हिस्ट्री होगी जो पढ़ने का इधर, और इधर है पजल बनाने का पजल, ये वाला पिक्चर देखो क्या है, मुझे यहाँ पे फोटो चलो ग्रुप फोटो यानी सबके फोटो लिए। अरे भैया यहाँ पे एड हो जाएगा और ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ ये देखो ये गोवा का ही होगा आई थिंक, वो क्या है मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे क्या है रे, इधर भी ब्लैक एंड वाइट जो ओल्ड चर्च है वो है, दूसरा क्या है मुझे नहीं पता। हाँ ये ब्लैक एंड वाइट किसका हिस्टोरी देखना है वो यहाँ पे ना क्लिक करना और यहाँ पे स्टोरी देखना होता है। और यहाँ पे बलिदानों को अनलॉक करें, यहाँ पे बलिदानों को अनलॉक करना है यहाँ पे, मतलब पूरे सबका हिस्टोरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबको। ये
गेम जैसा कुछ आएगा, इसमें आप लोगों को पूरा करना है। और ये है स्वतंत्र सेनानी, ये फीमेल है, ये फीमेल है, और इधर इधर है मेल, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र सेनानी। पूरा हिस्टोरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसके, कितने लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए बलिदान दिया होगा, जो सब यहाँ पे, और किसको क्या जेल में कैसे रखा, क्या सब यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, और आगे भी कुछ होगा वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। और इधर जो म्यूज़ियम था उसके साइड में ही ये चर्च है, जहाँ पे एक साइड मरियम माता है और इधर हमारे गॉड यीशु बापा और मरियम और उसका पुत्र यीशु बापा है यहाँ पे, ये देखो। ये तो हमारे लिए जन्नत है बापू। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ तक पानी आ जाता होगा, ये पूरा भीगा हुआ है, यहाँ से पानी आ जाता होगा, और इधर ऐसे लगा दिया है, यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता। तो इधर यही तो चिकड़ा ही जावे थोड़ा नहीं आ, तो देखो यहाँ से ये पूरा उछल के पानी आ जाता है। और दरिया में आज तूफानी तूफानी लग रही है, और जो वहाँ पहले गए थे वहाँ पे भी ऐसा ही था, पानी बढ़ गया था और थोड़ा सा आज पानी ज़्यादा है। तो ये है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, नीचे हम लोग देख लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर के फ्लोर में, और मेरा बंटी बाबू किधर रह गया, चल जय बाबू, पूरा थक गया है, ऐसा लग रहा है ऊपर के फ्लोर में आ गए हम लोग। ओ तेरी, इधर भी जेल ही जेल है। हाँ ये देखो जेल, उस तरफ भी जेल ही जेल है। यहाँ पे हम लोग को कैद करके रख दिया है मेरे भाई के साथ, अब छुड़वा लिया, अच्छा लगा, अब वरना यहाँ पे हमको पूरा फर्नीचर ही लेना पड़ता। और इधर पे पिंकू, आय मस्ती मत करो, आय तारा पग घुसी जाएगा अंदर। ताकत और मानस यार, तारू को मेरा फोन पकड़, फाइटिंग चलती जा रही, ऊपर आ गए रे अब यहां पे। ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पे, पूरा ले रही गेमी है जो कुछ ना धारे ले, ले शॉट, चलो यहां पे कुछ भी नहीं है अब, पैसे। और ये ज्यादा लोगों की जेल है, ये एक रूम में, और इधर से जाने का इधर एक जेल है। ये सब पुराना ही था ये, बट इन लोगों ने रिनोवेशन बना दिया। और यहाँ पे वडिल है, देखो यहाँ पे वडिल बैठे हुए है। ये ज्यादा लोगों की जेल है, और बापू ये इतनी सी जेल है, ये तो इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा मिलती होगी
उनको ये इतनी खोली ही देते थे होंगे। इतू सजर में क्या करे बापू, कैसे कैसे अत्याचार किए होंगे अपने इंडिया वालों लोगों पे ये गोरे लोगों ने। बस इतना ही यहाँ पे, अभी मैं जाऊँगी नीचे। हम लोग गए थे वोट, वहाँ से सीधा हम लोग आ गए कलंगड़ या कलंगुड़ का लंगुड़ ऐसा कोई बीच, यहाँ पे आ गए हैं हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। बट यहाँ पे नज़दीक में ही बीच था, ये कलंगुड़ या कोई ऐसा बीच है, तो हम लोग यहाँ पर ही आ गए। ये देखो ये भी बहुत अच्छा है, मतलब ये गोवा का सब बीच एकदम मस्त मस्त है सब, और पानी भी इतना साफ है कि क्या ही करे। अब यहाँ पे नहाने का मन कर रहा है बट नहा नहीं सकते, यहाँ पे पानी बहुत साफ होता है गोवा में, और हमारे यहाँ धुम्मस में गंदा है पानी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्त है। तो गाइस हम लोग इधर से जा रहे हैं, अभी हमने शॉपिंग वगैरह सब कर लिया, बट मैंने वो व्लॉग में नहीं लिया क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं था, और हमने होटल में भी चेकआउट ले लिया था। अभी हम लोग खाने गए थे, वहाँ से हमने थोड़ा सा चार्ज कर लिया है, थोड़ा सा मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं रेलवे से, और रेलवे में भी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ, और मैंने कभी रेलवे स्टेशन भी नहीं देखा था। बट हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं, और बारिश भी यहाँ पर चालू है, तो मैंने कभी रेलवे में सफ़र नहीं किया, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो आप लोग में बने रहना, क्या एक्सपीरियंस होता है रेलवे में वो मैं आपको दिखाऊंगी, और ये लास्ट व्लॉग है गोवा का, तो जरूर आप लोग देखना। हम यहाँ पे पहुँचे मटगांव रेलवे स्टेशन पे, और आधा हमें थोड़ा सा सो गई थी, आवाज थोड़ी अलग अलग सी आ रही है। कितने बजे, आई थिंक 3 बजे, रात को 3 बजे पहुँचे, और जो हमारी ट्रेन थी वो 4:30 बजे की थी, बट वो थोड़ी सी लेट हो गई, आई थिंक 6 बजे का हो गया है। तो यहाँ पे आ गए, अभी क्या करें, कुछ आराम करने का देखते हैं सोचते हैं, बट क्या करें, बहुत ज़्यादा नींद आ रही, तो ऐसे ही फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही सोए, तो हमारे घर भी ऐसे ही आ सकती है, क्या करें, सो जाएंगे और क्या। गाइस यहाँ पे ना बहुत बड़ा हमारे साथ स्कीम खेल गए ये रेलवे स्टेशन वाले, रात से सुबह हो गई बट अभी तक ट्रेन भी नहीं आई, और हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे सो गए थे, बट फिर भी ट्रेन नहीं आई। अभी आई थिंक आएगी, तभी हम लोग जाएंगे। अबा कितना टाइम था, 4:30 बजे ट्रेन थी, और ये कितने 6-7 बजने को आए, फिर भी नहीं आई, और अभी आएगी, हम लोग फटाक से उसमें चढ़ जाएंगे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा सोना है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आई है यहाँ पे, तो जल्दी से ट्रेन आ जाए और मैं जल्दी से सो जाऊँ, बस यही है मेरा। तो गाइस फाइनली हमारा इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, ये देखो सारे के सारे लोग रेडी, और ये आ गई है ट्रेन, इधर गई रही, ये इंतज़ार ख़त्म हो गया। गाड़ी में जाऊंगी मैं भी, वो भी पहली बार। हम लोग अभी एंटर हो जाएंगे, पहले मैं ही एंटर हो रही हूँ, बाप रे हैं एक कैसा है, कई बाजू जवान हूँ अपने, अच्छी वाली सीट है ये, हाय 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 हाय, पहली बार देखा रहे ट्रेन में भी ऐसा होता है। जा तो
नहीं।